हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं लर्निंग लैब। अगर आप वीडियो एडिटिंग में एकदम नए हैं और आप वीडियो एडिटिंग एकदम फर्स्ट स्टेज से शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम शुरू करेंगे। ये बेस्ट हमारे लिए क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा शॉर्टकट वीडियो एडिटर। चलिए ओपन कर लेते हैं। इस वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर राइट साइड में वीडियो के आप देखेंगे कार्ड है, कार्ड पर जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं आप। सिंपली जैसे ही आप अपना शॉर्टकट वीडियो एडिटर ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। अगर इस विंडो से कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ व्यू पे जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको रिस्टोर डिफॉल्ट क्लिक कर देना है तो आपको ऐसा एक विंडो मिल जाएगा। सिंपली आप क्या करना है, अभी हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपने फुटेजेस या वीडियोस जो एडिट करने हैं इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सिंपली मैं आपको कहूँगा यहाँ प्ले में क्लिक, प्ले लिस्ट में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा दिख जाएगा। ऐसा दिखने के बाद आप जो सिंपली मैं कहूँगा जो वीडियोज़ आपको लेके आने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ला सकते हैं। मेरे पास कौन कौन से, ये मेरे पास 3 वीडियोज़ हैं जिनको मुझे लेके आना है। मैं यहाँ पे सिंपली तीनों सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे आप ड्रॉप करेंगे आप देख पाएंगे कि कुछ आपको इस तरीके का वीडियो मिल जाएगा। इसके साउंड मैं ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो इस तरीके आपको मिल जाएगा। तो ये तो मेरे पास 3 वीडियोस हैं, एक इंट्रो है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। ओके, इंट्रो दिख जाएगा, डबल क्लिक करेंगे देन इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये भी दिख जाएगा। ओके, अब सिंपली होता क्या है, अभी इस यहाँ पे तो ले आए, अभी हमें टाइमलाइन में इसको लेके जाना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो सिंपली आप यहाँ से जाके डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, या तो सिंपली आप यहाँ पे जाके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं अभी आप क्या करूँगा, पहले इंट्रो रखना है, मैं अपना इंट्रो लेके आऊँगा, यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद ये देखेंगे, यहाँ ड्रैग कर लीजिए स्टार्टिंग में, करने के बाद आप देख पाएंगे मेरा इंट्रो यहाँ पर आ चुका है वीडियो का। ये कुछ इस तरीके प्ले हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी क्या करना है, मेरा इंट्रो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके धीरे से आप देखेंगे ये यहाँ पे ऐसे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट होना चाहिए, जो मेन वीडियो है मैंने करके रखा है। तो मैं ये क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप ये बटन देख पा रहे होंगे, स्प्लिट बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर कर दीजिए बैक स्पेस। बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ओके, अभी चलिए प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारा इंट्रो हो गया। ओके, अब हमें मेन मेन टॉपिक है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, जो से आप एडिट करना चाहते हैं उसको ड्रैग कर लीजिए। ये मैंने ड्रैग कर लिया। अब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी आप देख पा रहे हैं, इसके छोटा करने के लिए करेंगे, यहाँ पे आप जाके इसे छोटा कर सकते हैं या यहाँ से सिंपली क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको फिर से मुझे यहाँ से चाहिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे बटन रखा है। अब मेरे कुछ ये जिसमें OBS स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ वो दिख रहा है, वो पार्ट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए रहेगा। तो आप जो भी अनवांटेड पार्ट आपके वीडियो का रहेगा तो आप उसको यहाँ पे ले जाके कट कर सकते हैं, जैसे कि पुराने वीडियो हमने किया है। जैसे ये रहेगा, थोड़ा और आगे जाता हूँ मैं, ऐसा कुछ जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, देखिए मुझे कहाँ से कट करना है एक बार देख लेता हूँ मैं। ओके, हमारे वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बार और आगे थोड़ा चले जाते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे जाके फिर से आप इस सेलेक्ट करिए, यहाँ पे बटन है स्प्लिट बटन, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अनवांटेड चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस कर देंगे। बैक स्पेस करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको कर लीजिए और मैं थोड़ा इसको यहाँ कर लेता हूँ। इसको ड्रैग करके आप पास में ले आइए। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, ऐसा अभी आप सडनली देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे है तो हमें क्या करना है, इसके होने के बाद सडनली ये डायरेक्ट आ जाता है। तो इसमें एक हमें ट्रांजिशन ऐड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाइए, प्लस में आपको जाना है, सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है फिल्टर्स में। फिल्टर्स में जाने के बाद आपको यहाँ प्लस मिल जाएगा। प्लस में यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, जैसे ये है वीडियो वीडियो फिल्टर, तो इस यहाँ पे जाके आपको करना है फेड आउट। हम वीडियो के लास्ट में करना है इसलिए हमें रखना है फेड आउट इफेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा फेड आउट इन वीडियो। जैसे आप ड्रैग कर लीजिए, सॉरी,
जैसे आप करेंगे कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप वीडियो शुरू करेंगे, चलिए देख लेते हैं, कुछ ऐसा होके ये आएगा फेड इन होके। अभी सेम वीडियो को मैं फेड आउट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करिए, फेड इन हुआ है, अभी यहाँ से कर देंगे फेड आउट। जैसे करेंगे तो यहाँ से फेड आउट और वीडियो आ गया, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सेम इसके साथ करना है हमें, फेड इन करना है देन फेड आउट करना है। कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है फेड इन वीडियो, ओके। देन सिंपली अभी इसे सेलेक्ट करके हमें कर देना है फेड आउट, तो ये वीडियो के लेंथ के लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पे जाए कर देते हैं फेड आउट, ओके। चलिए ऐसा देख लेते हैं कैसा दिख रहा हमारा, ऐसे शुरू होता है हमारा और उसके बाद ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये देखिए कैसे हो रहा, यहाँ से हो रहा ट्रांजेक्शन, ये स्लोली ऐसे आ रहा, ठीक है। अभी हम वीडियो के एंडिंग पे चले जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, जैसे हमें लगा फेड ऑडियो हो गया, सॉरी, यहाँ पे कर दीजिए फेड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेड आउट वीडियो, जैसे करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं एंडिंग पे। इसके बाद हम आगे फिर से प्लेलिस्ट में यहाँ क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में आ जाएगा, हमने इंट्रो लिया था, अभी हमें आउट्रो लेना है। सिंपली ये मैं लेके जाके यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, प्ले करके मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको, जूम करने के बाद थोड़ा स्लाइड करना है हमें इधर। ओके, अभी क्या करना, सॉरी, यहाँ पे जैसे होता है ये नहीं रखना है मुझे फुटेज में, गलती से भूल गया था ये करना, तो अभी कर लेते हैं। सेलेक्ट करिए इस वीडियो को, यहाँ पे कर दीजिए स्प्लिट कर दीजिए, जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको मैं करता हूँ बैक स्पेस कर दूंगा। अभी वापस सेलेक्ट कर दीजिए, फिल्टर्स में चले जाइए, ओके। यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिलते हैं, इसमें फेड इन वीडियो आउट नहीं है क्योंकि उसे हम डिलीट कर दिया, वापस से हम लेंगे फेड आउट वीडियो, यहाँ पे है, जैसे करते ही आपको देखेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, देन इस सेलेक्ट करके पास में ले आइए। अभी देख लिए, आउट्रो देख लेते हैं, ओके, ये हमारा आउट्रो हो गया है। ऐसा कुछ करके आपको आउट्रो मिल जाएगा। मैं कहूँगा यहाँ सिंपल जाइए, इसमें सेम ऐड कर देंगे, यहाँ पे फेड आउट वीडियो कर दीजिए और सिंपली कर दीजिए फेड इन भी कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमने एक छोटा सा पार्ट हमारा था हमने एडिट कर लिया, एक छोटा सा 3 क्लिप का वीडियो था, 3 क्लिप का है, हमने इंट्रो आउट्रो और वो करना है, तो ये हमने कर लिया है, ये हमारा वीडियो बन गया है ऐसा। तो चलिए अभी देख लेते हैं, अब इतना सब कुछ तो हो गया, अगर मुझे इसमें टेक्स्ट ऐड करने तो कैसे करना है, मैं एक बार नॉर्मली 1 मिनट टाइम लूँगा और आपको टेक्स्ट के बारे में बता दूंगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं जाना है, यहाँ पे जैसे मुझे टेक्स्ट ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स में जाऊँगा, फिल्टर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर टाइप करिए जैसे कुछ भी लिखना है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं और सेम फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा करना चाहें, तो कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट डिलीट कर दूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है। चलिए मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको देखना चाहें तो, इसमें आपको पर्टिकुलर जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं अपने जो वीडियो बनाते हैं उसके नीचे आपको कहते हैं कि हमें वो ऐड करनी है, उन्हें करना होता है ऐड, क्या क्या ऐड करना, ऑडियो ट्रैक ऐड करना रहता है, तो ऑडियो ट्रैक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो था देन ऑडियो, यहाँ मल्टीपल ऑडियो और वीडियो ट्रैक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक वीडियो ट्रैक और ले सकता हूँ अगर कुछ रहेगा तो, अभी कंट्रोल जेड कर देते हैं, नहीं लेना है। यहाँ से जाके मेरे पास एक ये देखिए ऑडियो फुटेज था जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, यहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसे ड्रैग कर देना है, ऐसा ड्रैग करेंगे ऐसा आ जाएगा, इसको लेके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके। लाने के बाद आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी आवाज़ इसकी ऑन कर लेता हूँ, चलिए आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे देखिए
कैसा दिखेगा, प्ले करके बता देता हूँ। यहाँ उसे सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ आ रहा है। जब आप ये ऐड करते हैं तो आपको क्या चाहिए कि अभी इसका हमें स्लो डाउन या फास्ट करना रहता है क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दीजिए, यहाँ पे फिल्टर्स में जब जाएंगे, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, अभी ऑडियो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा गेन वॉल्यूम, तो ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। जैसे हम भी ये सुन के देख लेते हैं कैसा रहेगा, चलिए प्ले कर देते हैं। अभी हमें इसकी आवाज़ जो है ज़्यादा आ रही है, सिंपली आवाज़ को कम करने के लिए यहाँ से डाउन कर देंगे। तो चलिए प्ले करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जाके आप करना है क्लिक, हमें ज़्यादा डाउन हो गई, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। जैसे ये देखिए आप सुनेंगे तो देख, जैसे कि अब मैं प्ले करके दिखाऊंगा, बैकग्राउंड में सुन पाएंगे कि आपको एक आवाज़ आती हुई दिखेगी। ये जो वीडियो लाइन का वो था, या मैं दो पार्ट, ये बहुत स्लो है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियो ऐड कर सकते हैं। मैं तो सिंपली ऑडियो ऐड, ऑडियो बैकग्राउंड ऑडियो नहीं पसंद करता हूँ ऐड करना। अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। सिंपली मैंने तीन फुटेजेस लिए हैं और तीनों को मैंने करके बता दिया है। ओके, जब ये हमने ज़्यादा आपको फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ये वीडियो, ये तो हमने एडिट कर लिया, इसको लेके कैसे जाना है। सिंपली आपको यहाँ एक बटन मिल जाता है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट बटन के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसा देखेंगे तो वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखना हाई प्रोफाइल करके रखना है, या मेक श्योर यहाँ आप MP4 ही सिलेक्ट करें, और ये जो वैल्यू है डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो फ्रेम पर सेकंड है उसे अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। मैं 30 में काम करता हूँ, दैट्स वाई मैंने 30 रखा है, आप उसे कम भी कर सकते हैं। चलिए अभी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फाइल एक्सपोर्ट कैसे करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट मांगेगा, क्या मांगेगा, यहाँ पे पाथ मांगे, पाथ आएगा, इसी किसी भी नाम से सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिल्ड, यहाँ पे कर दीजिए सेव में क्लिक कर दीजिए। जैसे भी सेव में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे इसकी रेंडर की प्रोसेस चालू हो गई, या तो एक्सपोर्टिंग की प्रोसेसिंग चालू हो गई है, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद मैं एक्सपोर्ट होने के बाद आपको वीडियो कैसा रहेगा वो मैं दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा रेंडर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि वीडियो की एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्सपोर्ट होने के बाद कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हमने विड नाम दिया था, उस नाम से ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। चलिए डबल क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके आप अपने वीडियो को एडिट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको आपके काम में आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आज मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और आप डीप में अगर शॉर्टकट वीडियो एडिटर सीखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोज़ मैंने पूरी सीरीज़ बना कर रखी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यूज में रहा हो, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।